इतने नाजुक रिश्ते क्यों इतने भारी होते हैं ये सिर्फ एक बाप ही जानता है। आ बेगम, मैं अपनी बेटियों के बारे में ही सोच रहा था कि कब इनके कर्ज से हम आजाद होंगे। सुनो जी, बेटी की शादी की तैयारी करो। क्यों, राजा ने किसको पसंद किया है? पसंद क्या, उसने तो हमें मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। क्या मतलब? तुम्हारे दोस्त के बेटे ने हमारी इज्जत को आसमान से खींचकर अपने कदमों पर गिराया है। हमारी बेटी उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मोहनलाल मेरे बचपन का दोस्त है, उसका खून इतना गंदा नहीं हो सकता। उसके बेटे पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। मैं पिंकी की माँ हूँ। माँ तू भी माँ, वो भी माँ। अगर ये सच है तो मैं पिंकी को गोली मार दूंगा। गोली मारोगे तो पूरा मोहल्ला सुनेगा, दरवाजे पर जमा लोगों को क्या जवाब दोगे? अपने दामन के दाग छुपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता। अपने दोस्त को फोन करो और उसे यहाँ बुलाओ। उससे कहो, बल्कि उसे मजबूर करो कि वो हमारी बेटी को अपनी इज्जत बनाकर अपने घर ले जाए। हेलो जगमोहन। हाँ भाई, क्या बात है, फोन क्यों किया? मैंने अपने बेटे को जिस मिशन पर भेजा था उसने पूरा कर लिया कि नहीं? मोहनलाल, तू जिस काम में बिजी है उस काम को वहीं छोड़कर फौरन मेरे पास चला। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। जगमोहन, क्या बात है? मोहनलाल, मोहनलाल, मैं रोना चाहता हूं, रो नहीं सकता। मैं फरियाद करना चाहता हूं पर हिम्मत हिम्मत साथ नहीं देती। मैं पागल हो गया हूं। मैं जीते जी मर गया हूं। नहीं, मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे पता से कहना क्या चाहता है, बात क्या है? मैं बेटी का बाप हूं, कैसे बताऊं? तू खुद ही समझ ले, मेरी बेटी के माथे की बिंदिया गिर गई है, उसकी आंखों का काजल जमीन पर बह गया है। आंखें बंद करके जिसको इस घर में इतनी इज्जत दी, तेरे बेटे ने मुझे लूट लिया। ऐसा नहीं हो सकता। राजा, बड़े मन जी, इसे ले जाइए यहां से। जो कुछ पूछना है घर जाकर पूछना। अगर इसने कोई सफाई पेश करने की कोशिश की तो मैं और ज्यादा जलील हो जाऊंगा। ये तो क्या कह रहा है, ये तो मेरा नौकर है। क्या, ये तेरा नौकर है? मैं तेरे नौकर को तेरा बेटा समझकर अपनी बेटियों से शादी करने के सपने सजाता रहा? राजा कहाँ है? जी वो राजा। डैडी, आप यहां? डैडी के बच्चे, मेरे दोस्त की इज्जत से क्या खेल किया तूने? इस नौकर को मालिक बना कर ले आया यहां। बिलीव मी डैडी, मैं नौकर सिर्फ इसलिए बना था कि जिंदगी में अपने होने वाले साथी को पहचान सकूं कि कौन मेरे लायक है और कौन नहीं। इस कमीने ने उस हाथी की इज्जत बर्बाद कर दी है। नहीं मालिक, नहीं, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मालिक। खामोश, नमक हराम। नहीं डैडी, नहीं, अब्दुल मालिक ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप तो इसे बचपन से जानते हैं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं कहता हूं इस कमीने को ले जाए यहां से।
जिसने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। मालिक, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है मालिक। आप मुझे मालिक मत के कमीने, ये शब्द तेरे मुंह से शोभा नहीं देता। दफा हो जाए यहां से। मैं बेकसूर हूँ मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ मालिक। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठू, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। चाचा जी, चाचा जी, आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। पिंकी, पिंकी सच सच बता दे, सच बता दे कि इसका जिम्मेदार क्या अब्दुल मालिक ही है। उस बदनामी के डर से तेरा बाप जिंदा नहीं रहेगा और हम सब जीते जी मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। पिंकी, क्या हुआ बेटी? कोई भी लड़की अपने मुंह से ये नहीं कह सकती कि किसने उसकी इज्जत लूटी है। उसकी खामोशी उसका जवाब है। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैं बेकसूर हूँ मालिक, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ मालिक। हाँ, तू ठीक कहता है, तू बेकसूर है। नहीं, कसूर तो मेरा है जिसने तुझे मालिक को जैसी इज्जत दी। नहीं मालिक, कसूर तो मेरा है जिसने तुझ जैसे कमीने को जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा दिया। अरे तुझसे अच्छा तो एक कुत्ता है जो जिंदगी भर कम से कम अपने मालिक का वफादार तो रहता है। नहीं, निकल जाए यहां से। मालिक, मालिक अपना इल्जाम वापस ले लीजिए, चाहे तो मुझे जान से मार डालिए मगर अपना इल्जाम वापस ले लीजिए। मैं बेकसूर हूं मालिक। किस नहीं, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, दूर हो जा मेरी नजर से। बड़े मालिक, बड़े मालिक, मैं बेकसूर हूं। जी तो चाहता है तुझे गोली मार। नहीं मोहनलाल, इसे कह दे ये मुंह काला कर निकल जाए यहां से, चले जाए यहां से। मैं कहता हूं निकल मालिक, मैं कहता हूं निकल जाए से। मालिक निकल, मालिक निकल। और आइंदा कभी अपनी ये मनहूस शक्ल लेके यहां नहीं आना। नमकरा, गेट आउट। रानी, रानी, क्या तुम्हें मुझे कसूरवार समझती है? जब गवाह मौजूद हो तो सच से इनकार नहीं किया जा सकता। रानी, छोटी मोटी गलतियां तो इंसान की मजबूरियां करवाती है। झूठा, मक्कार, दगाबाज, तूने ऐसा गुनाह करके सारी दुनिया के नौकरों का सर शर्म से नीचा कर दिया। तू झूठा है, तूने मुझे प्यार में धोखा दिया, अपने मालिक का वफादार बनकर तूने उनको धोखा दिया। अब नौकरों पर कौन विश्वास करेगा, कौन विश्वास करेगा नौकरों पर? नहीं रानी, नहीं, विश्वास कर मेरा, ये सब झूठ है। चला जा यहां से, चला जा। पूरे वक्त में तो साया भी साथ नहीं देता, फिर तुझे मुझ पर विश्वास कैसे होगा? तू भी यही है क्या? नहीं दोस्त, मर गया दोस्त, मिट्टी में मिल गई दोस्ती। जा, चला जाए यहां से। मैं चला जाऊंगा तो किसके कंधे पर सर रखकर रोएगा तू? बेइज्जती सिर्फ तेरी ही नहीं हुई है, मैं भी जलील हुआ हूं जगमोहन। तू फिक्र मत कर, मैं तेरी पिंकी की शादी अपने बेटे से ही करूंगा, ऐसी धूमधाम से बारात लेके आऊंगा। बस बस, ये एहसान अगर करना ही है तो कोई भीड़ भाड़ मत लगाना, कोई दिखावा मत करना। रात के अंधेरे में मेरी बेटी को ले जाना, क्योंकि ये तो बदनसीब शादी है जिसका मैं कोई शगुन नहीं करूंगा। कोई मेहंदी नहीं रचेगी, कोई तेल नहीं चढ़ेगा, कोई सेहरा नहीं बदलेगा। मोहनलाल, तेरा बेटा मान जाएगा ना? नहीं दादी, नहीं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता, कुछ भी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुझे ये शादी करनी होगी राजा। नहीं दादी, हिम्मत मेरा प्यार है और उसका डैडी मेरा दोस्त है। मैं आपके दोस्त के लिए अपने प्यार का बलिदान नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने दोस्त के लिए अपनी सारी खुशियों का बलिदान कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा न्याय होगा। ये मेरी दोस्ती का इम्तिहान है राजा। आप इस इम्तिहान में पास होने के लिए मेरे प्यार का सौदा कर रहे हैं डैडी। बेटे, मैं ये साबित करना चाहता हूँ और तू भी हार करके ये साबित कर दे कि तू मेरे दिल का हिस्सा। डैडी, आप अपने जज्बाती बातों से मेरे अरमानों का गला नहीं घोट सकते, नहीं मेरे इरादों को कमजोर बना सकते। मैं हिमा से साथ जीने मरने का वादा कर चुका हूं और जब तक वो खुद मुझे ठुकरा न दे मैं उसे मुंह नहीं मोड़ सकता, नहीं मोड़ सकता मैं।
हेमा बेटी। जी डैडी। क्या कहूं, मैं एक नामुमकिन बात को मुमकिन बनाने के लिए उम्मीद लेके तेरे पास आया हूं। बेटी, इंसान तूफान में बिखरे हुए तीनकों को तो चुन सकता है, पर मिट्टी में मिली हुई इज्जत को समेटा नहीं जा सकता। बेटी, मैं उम्मीद लेके तेरे पास आया हूं। तू अगर अपने प्यार को अपनी बहन की गोद में डाल देगी तो मैं जिंदगी में बदनाम होकर भी चंद रोज जी सकूं। बेटी, घर की इज्जत बचा ले, मैं तेरे पैर पड़ता हूं। नहीं डैडी, मुझे गुनहगार मत कीजिए। आप अपना सर ऊंचा करके इस घर की इज्जत बचा लीजिए। मैं आपके सर से अपनी हर खुशी निछावर करती हूं। हेमा, आपने मेरा फैसला नहीं सुना। एक वादा तुमने मुझसे भी तो किया था। प्यार में किए गए वादे टूट सकते हैं, मगर बाप की इज्जत को बचाने के लिए किए गए वादे कभी नहीं टूट सकते। अगर मेरे प्यार की थोड़ी सी भी जगह तुम्हारे दिल में है तो मेरी बहन की इज्जत के रखवाले बन जाओ। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो यहां से चले जाओ। मैं यही समझूंगी कि तुम्हारे प्यार में खुद गर्जी थी। जो प्यार तुमने मुझसे किया था वो सब का सब झूठा था, झूठा। बेटा, इसी में हमारी इज्जत है, यही वक्त की पुकार है। अरे, तू यहां इस शहर में? बस कुछ मत पूछ। लेकिन तू यहां क्या कर रही है? तुम्हारे जाने के बाद मालिक ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं काम छोड़कर अपनी माँ के पास आ गई हूँ। लेकिन तू रो क्यों रहा है? क्या कहूँ, छोटे मालिक ने धक्के देकर मुझे भी निकाल दिया। धक्के देकर निकाल दिया? हाँ, लेकिन तू? सेठ जगमोहन की बेटी पिंकी ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने उसकी इज्जत लूटी है। बेटे, हट्टे कट्टे जवान हो और बच्चों की तरह रो रहे हो, कौन हो तुम? मैं भी नौकर हूँ बाबा, मालिक की सेवा करते करते मेरी वफादारी पर दाग लग गया। भगवान के द्वार पर खड़ा हूं, अगर यहां भी इंसाफ न मिला तो यही जान दे दूंगा मैं। नहीं बेटे, चलो मेरे साथ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं, आओ आओ। बेटे, मैंने तेरी सारी कहानी सुन ली और मुजरिम भी ढूंढ लिया है। बाबा, कहां है वो? यहीं, इस घर में तू खड़ा है। यही? लेकिन अब कहां है वो बाबा? उनकी मां उनकी शादी करने के लिए अपने साथ ले गई है उन्हें। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती बाबा। देखिए, आपने मुझसे हमदर्दी जताई है तो मेरे वकील बनकर आपको साथ चलना होगा, वरना एक शरीफ खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे माथे पे लगा हुआ नमक हरामी का दाग जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। ये रोक लीजिए बाबा, ये शादी रोक लीजिए। बेटे, अपनी मालकिन के सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत मुझमें नहीं है। हाँ, मैं तुझे वहां का पता दे सकता हूं, अगर वो पत्थर दिल मान जाए तो अपनी फरियाद सुना देना। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं? अच्छी। नमस्ते। अमित, तुम शायद ये सोच रहे होगे कि तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की नहीं मिली और मां की पसंद की लड़की से तुम्हें शादी करनी पड़ रही। आगे क्या हुक्म है? शादी की रस्म के मुताबिक हम तुम्हें कंगना मानने आए हैं। हाथ रोक लो सिखानी जी, अपने बेटे के हाथ में कंगना मत बांधो। इन खुशियों को रोकने और हम पर हुक्म चलाने वाले तुम कौन हो? एक फरियादी इंसाफ मांगने आया है। इंसाफ? इंसाफ किसके लिए? उस भाग्यवान के लिए
जो शगुन की मेहंदी लगाए बगैर मां बनने वाली है। तो उस बदनसीब का इस घर से क्या रिश्ता? उस गुनाह का जिम्मेदार कौन है? आपका बेटा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो? किसकी चाल है ये? बताओ कौन है वो? पिंकी। पिंकी है उसका नाम। गुनाह आपने किया और इल्जाम मेरी वफादारी पर लग गया। आपको भगवान की सौगंधें साहब जी, एक मालिक की नजरों से गिरे हुए नौकर को जिल्लत की जिंदगी से बचा लीजिए। मेरे साथ चलिए वरना कई घर बर्बाद हो जाएंगे। मेरे साथ चलिए। अमित, तू बोलता क्यों नहीं? इनकी बातों का जवाब क्यों नहीं देता? कह दे कि ये सब झूठ है। नहीं माँ जी, ये सच है। ये पाप करने से पहले तेरे कदम रुक क्यों नहीं गए? तेरी सांस बंद क्यों नहीं हो गई? तेरी वजह से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया? आपने सुनो की गुलाम है माँ जी। आपका दिल पत्थर है, आपके इरादे चट्टान है, आपकी शान है, इज्जत है, आपका नाम है, आपके अपने असूल हैं। मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की माँ जी, लेकिन आपने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। आपने कहा कि हम बेऔलाद होके बचाएंगे। मैं आपको जिंदा देखना चाहता था माँ जी। आपको जिंदा देखने के लिए मैं पुस्तली की मौत मर गया। नहीं अमित, तुम नहीं मरे, हम बर्बाद हो गए हैं। जिसका नाम पिंकी है उसे हमारी इज्जत की चादर में लपेट कर ले आओ। इस शादी से जो भी बदनामी होगी उसे हम अपने सर ओढ़ लेंगे। जाओ अमित, जाओ। माँ जी चलिए अमित बाबू, चलिए वरना बहुत देर हो जाएगी। चलिए ना। बैठे हो और उधर भाई साहब पंडित को लेने गए हैं। लड़का अकेले ड्राइंग रूम में बैठा है, चलो उसके साथ बैठो। नहीं नहीं, इसके माथे पर बदनामी का दाग लगाने लगा हूं, उसके पास बैठने की हिम्मत मुझ में नहीं। मुझे यहीं बैठने दे अकेला। यहां हत्यारे हत्या करने के बाद शहर छोड़ के चले जाते, फिर तू इस घर को बर्बाद करके यहां क्या लेने आए? मालिक, मेरा यहां आना बहुत जरूरी था। तेरा नमक हरामी करना भी जरूरी था, तेरे इस घर की इज्जत टूटना भी जरूरी था। नहीं मालिक, मैं तो आपकी गलतफहमी दूर करने आया हूं। मैं इन्हें दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, तेरे गुनाह के फांसी पर तो मैं चढ़ने ही वाला हूं। चला जाए इसे, जाता है। इसे आप किसी भी जुर्म की सजा मत दीजिए। यह बेचारा तो कल भी बेगुनाह था और आज भी बेकसूर है।
इस नमक हराम की सिफारिश करने वाले तुम कौन होते हो? मालिक, मैं नमक हराम नहीं हूं। इस खानदान के माथे पे जो कलंक लगा है उसका उसका जिम्मेदार ये है। जो धूल इस घर पे गिरी है वो इसके पांव की थी। क्या शोर है? ये नमक हराम फिर इस घर में क्यों आ गया? चाचा जी, हमने असली चोर को तो ढूंढा ही नहीं और इस साधु आदमी को सजा देते रहे। अब्दुल मालिक बेकसूर है, इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार खुद चल के यहां आ गया है। हाँ चाचा जी, मैं ही आपका कसूरवार हूं, मुझे माफ कर दीजिए। पिंकी कहां है? मैं उसे लेने आया हूं। ले जा बेटा, मैं तो अपनी बेटी को विदा करना है, तेरी अमानत है, तू ले जा। जाओ पड़े वफादार नौकर, हमने तुझे बहुत कुछ कहा, तूने कुछ नहीं कहा, हमें माफ कर दे। पिंकी, पिंकी बेटी, पिंकी, 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 पिंकी दरवाजा खोलो, पिंकी, 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 क्या हुआ पिंकी को? देखिए पिंकी को क्या हो गया, दरवाजा नहीं खोल रही। पिंकी, दरवाजा खोल, पिंकी, what are you doing inside? Come on, Pinky! Pinky, बेटी दरवाजा खोल। क्या पागलपन है पिंकी, देखो देखो मैं आ गया, होश में आओ पिंकी, पिंकी, सजा दे रही हूं। जब सब बातें साफ हो गई तो मुझे मुंह मोड़ के क्यों जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। चल रानी चल, हम यहां से कहीं दूर चलते हैं। चल, चल। मालिक? नहीं, मैं मालिक नहीं हूं। मालिक बनने की सजा मैंने भुगत ली है, मालिकपन हमको शोभा नहीं देता, हम नौकर ही अच्छे हैं। रुक जा अब्दुल मालिक, ये मेरा हुक्म है। हुक्म हुक्म हुक्म, मैं किसी का हुक्म नहीं मानने वाला, मुझे किसी का हुक्म सुनने की। मेरे पास आ। मालिक? नहीं मालिक। अरे ये क्या कर रहा है? मैंने तुझे मालिक कह के बुलाया, क्या तुझे इज्जत नहीं दी? कहां जा रहा था? ये मुझसे कह रही थी बाहर चल के बैठते हैं। क्यों, बाहर गुल्ली डंडा खेलना है क्या? मैंने कब कहा था बाहर जाने के लिए? चल गले लग जा। हाँ। अबे कमबख्त, उधर नहीं इधर, उसको गोल लगा क्या? जब तक वो साला उधर ही चिटकता रहा। अरे अबे गधे, तू रो रहा है? नहीं तो। ये ले, बच्चों के जैसे रो रहा है साला, मुंह देख, रो रो के पिचके में फुग्गे के जैसा हो गया, साफ कर।
गुस्ताखी माफ मालिक, आपकी शक्ल भी तो पिचके हुए फुग्गे जैसी हो रही है। अरे वो तो हमेशा से ऐसी थी। आज मुझे बड़ी खुशी है, एक नहीं दो दो बेटियों की शादी एक साथ कर रहा हूं। गलत चाचा जी, दो नहीं तीन। ऐसे आ, अच्छा तुम भी आबादी बढ़ाने की तैयारी में हो? जी ठीक है, मंजूर है, पर एक शर्त है। क्या? इसे हम अपने घर में रखें। क्यों? ताकि रानी से बार बार टकराने से हम बच सके। जैसे की नहीं, जैसे की नहीं, हमारी अपनी रानी। अभी आपकी रानी नहीं रही, अब ये हमारी है।